हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आबिद टेक क्लासेस हमारे जो प्रीवियस दो टॉपिक्स थे वो थे स्टोरेज यूनिट एंड देयर टाइप्स उसमें हमने प्राइमरी स्टोरेज के टाइप्स पढ़े एंड अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में बात जो सबसे पहले होगी वो होगी हार्ड डिस्क की क्योंकि ये जो है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का तो हम सबसे पहले इसी की बात करते हैं इसको समझ अच्छे से समझने के बाद हम इनके दूसरे टाइप्स की बात करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क जो है ये एक नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस होता है नॉन वोलाटाइल आपको पता है मैंने प्रीवियस टॉपिक्स में भी पता नॉन वोलाटाइल का मतलब हो गया कि इसमें जो डाटा है वो स्टोर रहता है वो हमेशा के लिए स्टोर रहता है वो ख़त्म नहीं होता जब पावर सप्लाई इसमें कट ऑफ होती है तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता इसमें जो डाटा होता है वो सेव रहता है तो इसको नॉन वोलाटाइल बोलते हैं तो इसी के लिए बोलते हैं ये हार्ड डिस्क जो है ये एक नॉन वोलाटाइल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ये डाटा को स्टोर करता है कहाँ पर इसमें जो डिस्क होती है उसके सरफेस पे मैग्नेटिक सरफेस होती है उसकी उसी पे ये डाटा को स्टोर कर लेता है ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन और सबसे वाइडली यूज किया गया स्टोरेज यूनिट है ये आपको बात याद रखनी है ये थी हार्ड डिस्क की ब्रीफ डि, डि, डिफिनीशन अब चलिए इसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर लेते हैं क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो है ये मेटल प्लेट से बना होता है और वो मेटल प्लेट जो होता है वो बोथ साइड से एक साइड से भी एंड दूसरे साइड से भी उसको कोट किया गया होता है ताकि दैट मींस कोट करने का मतलब होता है कि वो एक डाटा जो स्टोर होता है वो एक साइड से भी डाटा स्टोर रहता है और इसके ऊपर वाले साइड से भी डाटा को हम स्टोर रख सकते हैं देखिए इस ये जो डिस्क होती है यहां पे जो ये ब्लैक हेड आपको नजर आ रहा है ये जो है जब ये डिस्क को हम डिस्क ड्राइव में रखते हैं तो फिर ये जो है मूव हो जाती है राउंड शेप में घूमती है घूमती है और इसका जो काम होता है इस हेड का जो काम होता है इसको हेड बोलते हैं, इसका काम क्या होता है ये जो डिस्क पे जो भी रीड राइट किया होता है उसको उसको पढ़ लेना यानी इसको हम बोलते हैं हेड और इसका काम होता है इस हार्ड डिस्क में जो भी डाटा स्टोर किया गया है उसको पढ़ लेना उसको कोड कर लेना और ये जो है ये ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं आर्म इसको हम बोलते हैं आर्म और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पोजिशनिंग मोनीटर आप मोनिटर भी बोल सकते हैं तो ये थी थोड़ा बहुत हार्ड डिस्क की डायग्राम मैंने बनाई तो इसमें जो भी डाटा हमने स्टोर किया होगा तो ये जो हार्ड डिस्क होती है ये जब ड्राइव पे होती है तो ये मूव हो जाती है राउंड शेप में घूमती है एंड यहां पे इसका काम होता है डाटा को कलेक्ट करना है, तो ये डाटा को यहां से कलेक्ट कर लेता है अब फ्रेंड्स नजर रखिए, ये जो यहां पे मैंने सर्कल्स डाले हैं इसका मतलब हो गया इस डॉट से लेकर यहां तक जो है इसको हम बोलते हैं ट्रैक यहां से यहां तक हो गया दूसरा ट्रैक यहां से यहां तक हो गया तीसरा ट्रैक यहां से यहां तक हो गया फोर्थ फिर फिफ्थ फिर, फिर इसी तरह ये बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल रखते हैं टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स तो इसमें मैंने सिक्स ट्रैक्स रखे तो यहां से यहां तक तो एक ट्रैक दो ट्रैक तीन चार पांच और छे. ये हो गए ट्रैक्स इनमें जो है डाटा स्टोर रहता है और अब नजर रखिए ये जो एक ट्रैक दूसरा ट्रैक इनके बीच में जो है गैप होती है ताकि एक ताकि मैं इजीली जो है लोकेशन जो है पता चल सके फॉर एग्जांपल मुझे कोई हार्ड डिस्क से कोई फाइल निकालनी है तो वो इजीली उसको लोकेट कर पाए कि वो किस ट्रैक में है वेदर वो ट्रैक वन में है ट्रैक टू में है ट्रैक थ्री में इसीलिए ये हार्ड डिस्क में जो है ट्रैक्स बनाए गए होते हैं और इसके बाद ट्रैक्स के बाद इसमें जो है सेक्टर भी बनाया गया होता है सेक्टर जो है वो आप मान सकते हैं 90 डिग्री को देखिए यहां से लेकर यहां तक इस पूरे को जो हम सेक्टर बोलते हैं इस पूरे को हम सेक्टर बोल और इसी तरह यहां से इसको भी हम सेक्टर बोलेंगे फिर यहां से यहां तक इसको भी हम सेक्टर बोलेंगे और इसको भी हम सेक्टर बोलेंगे अब इसको बोलते हैं सेक्टर वन इसको बोलेंगे सेक्टर टू इसको बोलेंगे सेक्टर थ्री इसको बोलेंगे सेक्टर फोर अब इन सेक्टर्स का क्या काम होता है फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई फाइल निकालनी है वो पता है वो कि वो मुझे हार्ड डिस्क में स्टोर है लेकिन कंप्यूटर को अपनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो कहां पे मौजूद है अब तो वो हर एक कोई हर एक फॉर एग्जांपल हर एक ट्रैक तो नहीं खोलेगा ट्रैक सिक्स को पहले पूरा देखेगा इसमें फिर ट्रैक फाइव को देखेगा फिर ट्रैक फोर को देखेगा फिर ट्रैक थ्री को देखेगा इसी तरीके से ये सब ट्रैक्स को ऐसे तो चेक नहीं करता जाएगा तो इसके लिए क्या होता है इसके लिए इसको मेमोरी लोकेशन जो है दी गई होती है फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई फाइल निकालनी है गेमिंग फाइल अगर मुझे कोई निकालनी है तो इसमें जो है ऑलरेडी कोड किया गया होता है कि वो सेक्टर टू और ट्रैक सिक्स में सेव है तो वो डायरेक्ट सेक्टर टू में जाता है यहां पे या दैट मींस यहां से लेकर यहां तक सेक्टर टू है हमारा और ट्रैक सिक्स और ये जो ट्रैक है यहां से लेकर यहां तक ये वाला ट्रैक वो डायरेक्टली यहां पे जाता है और यहां से हमारा जो डाटा हमारी जो फाइल जो हमें जरूरत होगी वो निकालता है तो इस तरीके से इज़ एज, इज़ी होता है हमें सेक्टर्स और ट्रैक्स से अपने डाटा को फाइंड करना तो गाइज ये जो मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया हार्ड डिस्क को अब जो मैंने डिस्क्राइब किया अब मैं उसको थोड़ा बहुत ब्रीफली समराइज करके लिख लेता हूं देखिए फ्रेंड्स मैंने हार्ड डिस्क की डेफिनेशन लिख दिया है मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको इजी हो जाए फिर समझने में ए हार्ड डिस्क इज़ ए नॉन वोलाटाइल डाटा स्टोरेज दैट स्टोर्स डाटा ऑन अ मैग्नेटिक सरफेस दिस इज मोस्ट कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मीडियम ऑफ डाटा स्टोरेज ट्रैक्स आर सर्क्यूलर बैंड्स ऑन डिस्क ऑन विच डाटा इज स्टोर्ड द ट्रैक्स आर सेपरेटेड बाई सेम गैप एंड डिवाइडेड इंटू इक्वल एरियाज कार्ड सेक्टर ट्रैक्स एंड सेक्टर आर यूज टू डिटरमाइन एड्रेस एंड फील्ड ऑफ डाटा तो गाइज ये था ब्रीफली डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्ड डिस्क तो इसके बाद जो हमारा सेकेंड टाइप है सेकेंडरी स्टोरेज का लेट्स मूव ऑन डेट टॉपिक वो है फ्लॉपी डिस्क तो गईस फ्लॉपी डिस्क जो होता है ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है लेकिन इसकी जो स्पेस होती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क वो कम होती है इसमें भी हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं लेकिन इसमें हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं ये जो है ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम से बना हुआ होता है फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज से बना होता है जस्ट लाइक हार्ड डिस्क की तरह इसमें मटेरियल यूज हुआ होता है और इसका जो है ये डिस्क जो है ये क्लोज्ड होती है एक रेक्ट्रेंगुलर प्लास्टिक प्लास्टिक एक रेक्ट्रेंगुलर आप स्क्वायर मानिए रेक्ट्रैंगर स्क्वायर भी कह सकते हैं उसमें जो है बंद होती है ताकि इसमें इसकी जो डिस्क होती है वो डस्ट पार्टिकल से सेव रह सके ये जो है ये रीड टू एंड रिटर्न फॉर्म दैट मीनस इसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं ये री फ्लॉपी डिस्क जो है ये रीड टू एंड रिटर्न फ्रॉम टाइप ऑफ फ्लॉपी डिस्क है इसकी जो सरफेस होती है वो डिवाइड की गई होती है जस्ट लाइक हार्ड डिस्क में मैंने आपको बताया ट्रैक्स और सेक्टर में वो डिवाइड की गई होती है इसी तरह फ्लॉपी डिस्क की अगर हम बात करेंगे इसमें भी वो ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड की गई होती है अब लेकिन इसमें क्या है जो इसमें सेक्टर होता है हर एक सेक्टर जो है उस वो जो है उसकी स्टोरेज यू, यूनिट जो है वो ऑलरेडी जो है आ, सेव की गई होती है उसमें जो है फिक्सड की गई होती है उसमें जो है 512 बाइट्स जो है हम डाटा डेटा स्टोर कर सकते हैं अब ये बाइट क्या हुआ बिट क्या हुआ अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक स्टोरेज यूनिट होता है फॉर एग्जांपल अगर हम वेट की बात करेंगे उसमें के होता है लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ये सबसे कम जो है वो एम जी होता है यानी मिलीग्राम्स तो इस तरीके से बाइट जो है सबसे बिट जो है वो सबसे लोवेस्ट नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज उसके बाद बाइट आता है एंड ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगा ये फुल uh, डिटेल में आपको इस बेट बाइट के बी वगैरह की सब की दूंगा फिलहाल आप याद रखिए इसमें जो है साइज होता है फिक्सड साइज होता है वो 512 हंड्रेड का होता है इसमें भी जो डाटा होता है वो बोथ साइड्स, यानी डिस्क जो होती है उसके नीचे वाले साइड में एंड ऊपर वाले साइड में दोनों साइड्स में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको आ, ये क्या बोलते हैं इसका हार्ड डिस्क में मैंने आपको वो हेड दिखाया था वो हार्ड डिस्क को जब वो उसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव पे रखते हैं तो राउंड करके वो डाटा को वहाँ से कलेक्ट करता है तो इसी तरह फ्लॉपी डिस्क में भी जो है एक हेड होता है वो डाटा को रीड राइट करता है देखिए इसकी मैं डायग्राम बनाऊंगा ये भी कुछ सेम जो है उस तरीके से ही होती है फॉर एग्जांपल ये हो गई हमारी फ्लॉपी डिस्क यहां से जो उसकी कवरिंग की गई होती है ऊपर से इसको बोलते हैं हम ये प्लास्टिक की कवरिंग की गई होती है ये जो है इसको डिस्क जो होती है फ्लॉपी डिस्क इसको डस्ट एंड स्क्रैच वगैरह से बचाती है और यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं हम हेड जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी हेड का फंक्शन बता दिया है और <coughs> ये हो गई इसकी बॉडी इसको हम इसका हेड बोलते हैं और ये जो हमारी होती है इसको हम बोलते हैं डिस्क मैग्नेटिक डिस्क यानी फ्लॉपी डिस्क जो होती है इसको हम वही बोलते ये हो गई हमारी फ्लॉपी डिस्क और और इसमें जो है जस्ट लाइक like, uh, मैंने आपको यहां पे बताया था हार्ड डिस्क की तरह इसमें भी जो है वो uh, क्या बोलते हैं इसके ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं अब इसमें क्या होता है इसमें जो हर एक सेक्टर होता है हर एक सेक्टर फॉर एक्जाम्पल यहां से लेकर यहां तक एक सेक्टर इस, इसकी जो फिक्सड स्टोरेज यूनिट है वो फाइव हंड्रेड ट्वेल्व बाइट्स होती है इसकी भी फाइव हंड्रेड ट्वेल्व बाइट्स होगी इसकी भी फाइव फाइव uh, हंड्रेड ट्वेल्व बाइट्स होगी और इस तरीके से सब में जो है सेम uh, फिक्सड uh, एक सेक्टर में जो है फिक्सड स्टोरेज यूनिट रखा गया है वो है फाइव हंड्रेड ट्वेल्व बाइट्स तो गाइज़ ये मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब किया फ्लॉपी डिस्क को अब जो मैंने डिस्क्राइब किया अब मैं उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखूँ तो सो so दैट आपको uh, फिर इजिली uh, समझ में आ जाए तो गाइज इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी मैं पढ़ के सुना लेता हूँ इट इज़ अ कंप्यूटर डिस्क ड्राइव दैट एनेबल्स अ यूजर टू स्टोर डाटा इट कैन स्टोर लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा इट इज़ कम्पोज ऑफ थिन फ्लेक्जिबल स्टोरेज मीडियम एनक्लोज इन अ रेक्ट्रेंगुलर प्लास्टिक इट इज रीड टू एंड रिटर्न फॉर्म ऑफ फ्लॉपी डिस्क द सर्फेस इज डिवाइडेड इन टू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स सेम एज इन हार्ड डिस्क द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज फिक्सड दैट इज फाइव हंड्रेड ट्वेल्व बाइट डाटा इज स्टोरड ऑन बोथ साइड्स ऑफ डिस्क तो ये था फ्लॉपी डिस्क का ब्रीफली डिस्क्रिप्शन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक के पे मूव करेंगे दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी तो गाइज सी डी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी किसको बोलता है ये तो यूजअली सबने देखी होगी जो हमारे घर में सी डी वगैरह होती है ये वही है उन्हीं को हम सी डी रोम बोलते हैं या आप सी डी भी बोल सकते हैं ये भी एक कंप्यूटर की मेमोरी होती है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं ये डिस्क जस्ट अपने अब तो पता ही है डिस्क होती है जब हम इसी डिस्क को जो है डिस्क ड्राइव में डालते हैं तो लेजर लाइट लेजर्स की मदद से इसमें जो डाटा कोड किया होता है तो हम लेजर्स की हेल्प से वो डाटा जो है उसको एनकोड करते हैं दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए हम लेजर लाइट का यूज करते हैं इसका जो डायामीटर होता है वो 12 सेंटीमीटर का होता है और इसकी जो मेमोरी होती है वो 680 हंड्रेड तक होती है कैपेसिटी जो होती है इसकी वो 680 हंड्रेड तक होती है एम बी मीनस मेगा बाइट तो ये जो है ये भी था एक टाइप सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट का जो मैंने आपसे शेयर किया तो अब थोड़ा बहुत इसकी डेफिनेशन एटसेट्रा मैं लिख लेता हूँ तो मैंने यहां पर सी डी रोम की डेफिनेशन लिख दी मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं इट इज़ अ टाइप ऑफ ए कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ ए कम्पैक्ट डिस्क ए सी डी रोम ड्राइव यूजस ए लो पावर बीम लो पावर लेजर बीम टू रीड इंफॉर्मेशन इट इट्स सॉरी यहाँ पे गलती हुई इट्स डायमीटर इज ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड सपोर्ट अप टू सिक्स हंड्रेड एटी एम बी स्टोरेज तो गाइज ये था सी डी रोम इसका सेकेंडरी स्टोरेज का और एक टाइप जो है वो यू है यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस ये तो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो जो तीन मैंने आपको पढ़ा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बट इट इज़ स्टिल इंपॉर्टेंट तो इसलिए मैंने ये बता दिया चलिए अब हम बताते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस दैट इज़ यू किसको बोलते हैं ये जो है इसमें हम ये भी एक मेमोरी यूनिट है इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं लेकिन ये जो यू होता है ये जो है ये रिमूवेबल भी होता है एंड रिराइटेबल भी होता है ये जो ड्राइव्स होती है ये फ्लॉपी डिस्क से बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में ये बहुत छोटी होती है एंड इनका वेट जो है वो अप टू थर्टी ग्राम्स तक होता है तो गाइज अब मैंने यहां पर यू uh, जो है इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है अब मैं पढ़ के सुनाता हूं इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइस इंटीग्रेटेड विद ए यू एस बी यू एस बी ड्राइव आर टिपिकली रिमूवेबल एंड रिराइटेबल दीज ड्राइव आर मच मच स्मॉलर देन ए फ्लॉपी डिस्क एंड वेट अप टू थर्टी ग्राम्स तो ये था यूएस बी यूनिवर्सल सीरियल बस तो गाइज ये था हमारा टॉपिक आज का सब टॉपिक था हमारा स्टोरेज यूनिट का इसके हमने तीन पार्ट्स किए पहले में मैंने आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज बताया एंड जो हमारा इसका वीडियो था उसमें मैंने टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज बताई एंड आज के इस वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज बताया इस तरीके से हमारा जो है ये स्टोरेज यूनिट का टॉपिक जो है वो कंक्लूड होता है तो अब मिलते मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में आ, किसी और टॉपिक और गाइज अगर आपको ये मेरा वीडियो आज का जो पसंद आया तो इसको लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आबिद टेक क्लासेस थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग